जलंधर के डीसी दफ्तर के बाहर नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट तहत आउंदे अध्यापकों के वल्लों रोस प्रदर्शन किया गया, रोड जाम की गई। उन्होंने कहना सी कि 18 महीने तो तनखा नहीं मिली, जिन्नी देर उन्हां दीआं समस्यावां दा हल नहीं कढ़िया जांदा उन्हां दा प्रदर्शन इसे तरह जारी रहेगा। केंद्र सरकार खिलाफ भी इस तरीके दे नाल उन्होंने धरना जारी रखने की गल आखी है। मतलब मोन्ट्रियल सारे ने अपलाई की थी कि तीन कॉलेज है, एम कॉलेज, सी डी ई, सी डी आई कॉलेज, सी सी एस क्यू कॉलेज, ठीक है। इन्होंने कॉलेज से बच्चों के अरे फंड नहीं आ रहे, साल दो दो साल हो गए इन्होंने फसिया, रिफंड जो रिफ्यूजल भी आई है, अक्टूबर की रिफ्यूजल सारे बच्चों आई है, तो छे छे सत सत महीने हो गए रिफंड नहीं आ रहे, तो एजेंट भी की है कोई हेल्प नहीं कर रहे इन्होंने। कैनेडा जो स्टडी अपलाई किया वक् वक् अदारों तो किया, प्राइवेट एजेंटा ने जोड़ा इन्हों कॉलेजों के इन्हों एडमिशन करा दी, जे कॉलेज कैनेडा के दिवालिया करार हो चुके हैं, जेडे कॉलेजों के एडमिशन नहीं करानी चाहिए सी, उन्हां एजेंटा ने इन्हां भोले भाले बच्चों गुमराह करके, क्योंकि बच्चों हुंदा भी प्लस टू की ग्रैजुएशन की फटाफट मूव कर जाइए अबरॉड चले, उन्हां दे प्रेशर हुंदा सिर्फ पैसे इकट्ठे करन दा, भी असीं एजेंटा दा जिहड़ा मूँह बंद करिए, पैसे दीए, साडे बच्चे दा ऑफर लैटर आ जाए और बच्चा साडा जिहड़ा फॉरन मूव कर जाए। सो बच्चों ने जिहड़ा उन्हां दे पेरेंट्स ने पैसा दिता एजेंटा ने, उन्हां कोलों पैसा लिया गुमराह करके।